come to Paluti. Aditya Galde. Aditya Galde is there. Galde Galde hostel leader. तो भारत और उसके सभी लोगों को जय श्री राम 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 नमस्कार। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है जिस दिन को पूरे भारतवर्ष को इंतज़ार था। तो आज 19 सितंबर है, तो 19 सितंबर को क्या है, पूरी दुनिया जानती है कि आज गणेश चतुर्थी है। तो मेरी तरफ से पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। तो अभी मैं हॉस्टल में हूँ, तो ये मेरा व्लॉग नंबर 6 है। तो इस व्लॉग में यही बात करेंगे कि कैसे महाराष्ट्र में लोग गणेश चतुर्थी को मनाते हैं। तो अभी हम हॉस्टल में हैं, तो हम हॉस्टल में भी गणेश चतुर्थी को मना रहे हैं। गणेश जी हॉस्टल में आ रहे हैं, हम गणेश जी को ला रहे हैं, फिर 2-3 दिन के बाद गणेश जी अपने घर जाएंगे, मतलब हम विसर्जन कर देंगे। तो वैसे ही तो बात करें अगर मेरे गाँव की, वहाँ पर कैसे गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, तो वहाँ इस प्रकार से नहीं मनाई जाती। तो वहाँ पे सिर्फ पूजा होती है, बस और कुछ नहीं होता है। गणेश जी का विसर्जन घर में लाना ये नहीं, ये वाला पार्ट नहीं रहता, बाकी और सब पार्ट रहता है। मैं पूरे भद्रकाशी की बात नहीं कर रहा हूँ कि पूरे भद्रकाशी में इस प्रकार से गणेश चतुर्थी नहीं मनाई जाती, मैं स्पेसिफिक अपने ही गांव की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे इस प्रकार से नहीं मनाई जाती। तो सब लोग जानते हैं कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो जो लोग नहीं जानते मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं भारत के एक सबसे खूबसूरत राज्य जम्मू कश्मीर के छोटे से ज़िले के एक खूबसूरत सा शहर वास्की नाग भूमि भद्रकाशी के एक छोटे से गांव का, जिसका नाम टिपरी है। तो आप व्लॉग में बने रहिए और देखिए हम किस प्रकार से गणेश चतुर्थी यहां पे मनाते हैं। तो तब तक के लिए जय श्री राम। तो ये अब चलते हैं हम गणेश जी को लाने और फिर उनकी स्थापना करेंगे। तो आप भी देखो किस प्रकार से स्थापना होती है। तो चलते हैं जल्दी जल्दी। तो चलिए
आदि गजस्वपते सुवर्ण रत्न श्रीपते अष्टावधान जागृत अष्ट प्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीति धुरंधर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर श्रीमंत योगे महाराजाधिराज श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज के जय। छत्रपति शिवाजी महाराज के जय। छत्रपति शिवाजी महाराज के जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। तू है तो हमने आज वीडियो बना ही नहीं है क्योंकि किसी कारण से हम सिटी चले गए थे तो टाइम पे आ नहीं पाए आरती के टाइम पे, इसलिए हमने आज की वीडियो बनाई नहीं है। तो ये आरती का टाइम हो चुका है तो मैं जा रहा हूँ अब आरती करने, तो बस उसके बाद ही कुछ टाइम बाद हम विसर्जन के लिए निकल जाएंगे। तो आप बने रहिए व्लॉग में, वो देखिए कि किस प्रकार से विसर्जन होता है। तो तब तक के लिए जय श्री राम। तो ये भारी बारिश के कारण थोड़ा डिले हो रहा है काम, तो जल्दी हो जाएगा। आज का ही दिन है प्रभात नहीं बट तो आप देख सकते हो कि भारी बारिश हो रही है यहाँ पे, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है काम। लड़के जा रहे हैं आरती करने के लिए। ये जो आरती शुरू हो गई और हमको थोड़ी देर लग गई आने में, तो जल्दी जल्दी जाते हैं। फिर इसके बाद जाना है हमने बाहर।
श्री राम। तो ये हम विसर्जन करने के लिए निकल चुके हैं, हॉस्टल से बाहर जा रहे हैं, कहीं पे तो जाना है, मेरे को नहीं पता किधर जाना है, बट हम निकल चुके हैं अभी। देख सकते हो पीछे भीड़ कितनी है हमारे पीछे। जय श्री राम, 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 भारिया भारिया भारिया, जय श्री राम। मेरा मत अच्छा है। ढोल बजने वाला है यहाँ पे, डीजे वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, हम यहाँ पे डांस करने वाले हैं, तो सब यहाँ पे आ चुके हैं। Thank you.
हम नाच रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। हमें नाच नाच के बहुत बुरा हाल कर दिया हमने। कैसा मजा आ रहा है बोल दे कुछ। कैमरामैन जैसा लग रहा है। हाँ हाँ, ये मेरा कैमरामैन, इसने पूरी वीडियो शूट की है। बहुत मजा आ गया आज। मेरे गांव में इस प्रकार से नहीं मनाई जाती गणेश चतुर्थी, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर जो गणेश चतुर्थी आए हम इसी तरह से अपने गांव में भी मनाएं। अगर मैं घर में हुआ तो हम सेम इस तरह से मनाएंगे, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। फिर गणेश जी की मर्जी, वो आना चाहेंगे हमारे घर में तो आ जाएंगे, पर हम कोशिश पूरी करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम अपने घर में इसी तरह से मनाएं। तो फाइनली ये विसर्जन जो है वो हो चुका है। तो जो ये विसर्जन के बाद जो गणपति जी हैं वो अपने घर चले गए। सबको पता है उनका घर किधर है, देवों के देव महादेव उनके पिताजी हैं और माँ गौरा उनकी माता जी हैं, तो वो चले गए अब अपनी फैमिली के पास। तो 3 दिन वो हमारे यहाँ हॉस्टल में रहे, तो हमने इन 3 दिनों में बहुत मज़ा किया, बहुत अच्छा लगा हमको। तो हम भी वापस हॉस्टल में अपने रूम में आ चुके हैं। तो आज दिन में हमने बहुत मज़ा किया, इतना नाचा इतना मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं नाचा जितना आज नाचा है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, जैसा भी था बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आपको भी शायद मज़ा ही आया होगा व्लॉग देख के। तो इस व्लॉग में बस इतना ही। तो आशा करेंगे कि आपको व्लॉग अच्छा लगे, नहीं भी लगा हो तो फिर भी अच्छा ही लगना चाहिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है कीजिए, मज़ा कीजिए बस। और बस इस वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिए। तो तब तक के लिए जय श्री राम।